हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग के अंदर। अब हम दोनों आ चुके हैं जिम से, और जिम के बाद की पंजाबियों की डाइट कैसी होती है ये आज आपको हम दिखाते हैं। पंजाबी कैसी डाइट फॉलो करते हैं जिम से आने के बाद, वो आज हम आपको दिखाएंगे। आइए हमारे साथ चलिए और देखिए हम क्या खाते हैं। ठीक है, आज क्या बन रहा है काजल नाश्ते में? आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ आलू प्याज के पराठे। तो जिम से आने के बाद हम ये खाया करेंगे? ये सबसे हल्का ब्रेकफास्ट है हमारा आज तक का जिम से आने के बाद का, आलू प्याज के पराठे। अच्छा, तो मैंने आलू लिए हैं। तो फिर हमारे जिम करने का फायदा क्या हुआ? नहीं, वो तो हम तो अपनी कैलोरीज लूज कर आए ना वहाँ जाके। हाँ, तो बस अब उसको लाना भी तो है ना अपने अंदर। वीकनेस भी तो आ जाती है आपको बहुत जल्दी, उसके लिए आपको आलू प्याज के पराठे विद न्यूट्रलाइट बटर के साथ खिलाऊंगी, जिससे बटर तो हल्का होता है ना। हाँ, मतलब आज भी तुमने हमारी बेइज्जती करा दी है। नहीं, मैंने तो बोला तो है हल्के मक्खन के साथ खिलाऊंगी, न्यूट्रलाइट बटर के साथ, कम घी वाले बना रही हूँ। और इसमें मैंने ये तैयार कर लिया है बैटर, इसके अंदर मैं नमक मिर्च अजवाइन क्रश करके ये सब चीज़ें डाली हैं, और हींग जरूर डालनी चाहिए पराठों में। तो जो हम जिम करके आए उसका क्या हो गया ना? वो तो जिम हो गया, जिम का कोई फायदा नहीं, आलू के पराठे खाएंगे हम जिम करके। कोई बात नहीं ना, आज खा लेंगे हम कल, ज़्यादा डबल एक्सरसाइज करके अपनी कैलोरीज आज वाली बर्न कर लेंगे। तो ये हमारा बैटर तैयार है और अब हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। आलू के पराठे, प्याज वाले, हरी मिर्च और अदरक। घी देखो कितना कम डाल रही है, बहुत कम डाल रही है। इतना दिख रहा है ज्यादा, लेकिन मैं कम डाल रही हूँ। इतना कम डाल रही है कि आप देख रहे हो जाएगा। हाँ, और इसके साथ ऊपर क्या लगा के दोगे, देसी घी या मक्खन? जो आप कहोगे वही लग जाएगा इसके अंदर। अच्छे तरह से हम इसको दोनों साइडों से सेक लेंगे, बिल्कुल कम तेल के अंदर। तेल घी जो भी आप लोग यूज करते हो। आधी चम्मच में मैंने ये पराठा पूरा सेक लिया है। अच्छा, ये मेरा पराठा तैयार है विद बटर, इसे बहुत कम मैंने घी यूज किया है। तो आइए खाइए हमारे साथ आलू का पराठा। हेलो, अब काजल ले आई है नाश्ता, और जो हम कर रहे हैं डाइटिंग वाला नाश्ता, आलू के पराठे और साथ में अदरक वाली चाय, ये होता है पंजाबियों का नाश्ता, और इसको हम खाते हैं जिम करने के बाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे एक नया ब्लॉग लेकर, तो देखते हैं कैसा होगा। जब तक के लिए बाय बाय।